अरे दार्जिलिंग का सांसद, मुझे दुख तकलीफ इस बात का है कि यहाँ पे जो टेरिटोरियल आर्मी के जो जवान लगे थे उसमें से ज्यादातर 43 जवान यहाँ पे मौजूद थे, अफसर और जेसीओ मिला करके, और उसमें से ज्यादातर लोग दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के थे, और वो सब लोग जो है अमर रहे और उन्होंने देश के लिए सेवा करते हुए उन्होंने अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया है, और मैं इतना कह सकता हूँ उनका बलिदान जो है व्यर्थ नहीं जाएगा, और उन्होंने जिस तरह से अंतिम सांस तक देश की सुरक्षा और देश की रक्षा करते हुए उन्होंने जो बलिदान दी है, हम सबको, हमारे जैसे तमाम युवाओं को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा, और वो हमारे बीच हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। मैं उन सबके परिवार के प्रति मेरी सांत्वना है, और पूरा हिंदुस्तान उनके परिवार के साथ हैं, और जो लोग भी जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द स्वस्थ होकर के वो अपने घरों को लौटें। ये कठिन समय है मणिपुर के लिए। मैं मणिपुर के मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने हैदराबाद का NEC मीटिंग भी कैंसिल करके यहीं पे डटे हुए हैं पिछले 3 दिनों से लगातार, और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से फौज, यहाँ की सिविलियन और NDRF STRF के लोग लगे हुए हैं, रेलवे के लोग लगे हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को हम जल्द से जल्द पूरा कर पाएंगे, और बहुत दुख के साथ और बड़े मन के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये बहुत ही बड़ी क्षति देश के लिए और मणिपुर राज्य के लिए। आर्मी की तरफ से बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग यहाँ पे हो रहा है, और सर्च के लिए लोगों को ढूंढने के लिए करगिल से और मेरठ से जो है एयरलिफ्ट करके जो अभी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसको भी यहाँ पे मंगाया गया, और बाकी JCB मशीन और उन सब के माध्यम से यहाँ पे इक्विपमेंट की कोई कमी नहीं है, और रेस्क्यू के लिए दिन रात मिला के करीब करीब 650 लोग यहाँ पे लोग लगे हुए हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वयं ही इस विषय को लेकर के बहुत चिंतित है। पूरी हिंदुस्तान की नजर आज इस समय मणिपुर के इस नूने क्षेत्र में है। हम सबके लिए एक एक जान की कीमत बहुत ही अनमोल है, और आज भी हमारे ये 650 लोग जो है लगे हुए हैं किसी तरह किसी को भी हम अगर बचा सकते हैं तो हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।